नेमतें और मुसीबत में क्या करना चाहिए। नेमत के मामले में अपने से कमतर को देखना चाहिए, शुक्रगुजार हो जाओगे, और मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखोगे तो सब्र करने वालों में से हो जाओगे। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो हम क्या करना चाहिए? शुक्रगुजार बनने के लिए नेमतों के मामले में कभी ये कंपैरेटिव मत करिए अल्हाकुम तकासुर कि मुझसे ज्यादा और उनके पास है, उनके पास है, नहीं आपसे कमतर जिसके पास नहीं है उनके पास देखिए आपके पास तो कुछ है। और शुक्रगुजारी कैसा आएगा? मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत जिसके पास है उनको देखिए तो आपका रंज दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। तो हम क्या करना चाहिए? अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला मेरे परेशानियों में मुझे बचाइए, परेशानियों में मुब्तिला होने से मुझे प्रोटेक्ट करिए, और आप अपना करम करिए और हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचाइए। क्योंकि जब इंसान परेशानियों में इंग्रोस्ड हो जाता और उसमें इसी में परेशान होकर रह जाता तो अल्लाह से दुआ नहीं करता और क्या हो जाता? मायूस हो जाता। और मायूसी क्या है? कुफर है। तो अल्लाह से पुर उम्मीद रहना चाहिए, अल्लाह से मेक दुआ करते जाइए तो परेशान मत हो जाइए। हमारे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी है, किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम। अल्लाह ताला हमारे परेशानियाँ दूर करे, हमारे प्रॉब्लम्स दूर करे। मोमिन हमेशा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अला कुल्ली हाल। कोई परेशानी हो, कोई कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जजाकल्लाह खैरन कसीरा। चैनल को सब्सक्राइब करें।